कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। अरे नहीं समझे? अरे तुम्हारे पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान से ही है। अरे मैंने जितने बार भी पिक्चर देखी है ना, तब तब एक हिंदुस्तानी अंदर से जाग उठा है। मतलब एक गदर, एक प्रेम कथा, सिर्फ एक फिल्म नहीं है, दैट इज अ इमोशन। हेलो वन मेरी मित्र भैया, वेलकम टू बॉलीवुड प्रेमी। दोस्तों, अनिल शर्मा की बहुत बड़ी पिक्चर जो 2001 में रिलीज हुई थी, नाम है पिक्चर का गदर, एक प्रेम कथा। गूज़बम्प आ गया देखो। सनी पाजी पाजी पटेल, एक अलग दौर था उस पिक्चर का। वो वापस रिलीज होने वाली है और वापस उन्होंने आज उसका ट्रेलर रिलीज किया है। और हमारे साथ में आ गए हमारे मुंबई के थ्री इडियट गोलू विघ्नेश, थोड़ा आगे आइए, और समृद्धा, स्वागत है आप तीनों का टू बॉलीवुड प्रेमी। आप तीनों ने देखा है ये रीमास्टर्ड 4K में डॉल्बी एटमॉस वाला ट्रेलर। पिक्चर आने वाली है वापस लगाने वाले 9 जून को। शुरुआत करूंगा फर्स्ट ईयर मुंबई गोलू के साथ में, कैसा लगा ये ट्रेलर और क्या एक्साइटमेंट है फिल्म के लिए? देखो ये दोनों चीज़ बताऊंगा, लेकिन एक चीज़ पहले ही मैं बोलना चाहूंगा कि अभी ये मंथ में जो पिक्चरें रिलीज होने वाली हैं और ये जिस दिन गदर होगी रिलीज़, री-रिलीज़, वो सब पिक्चरों से ज़्यादा कमा के दे देगी ये थिएटर वालों को भी और बाकी लोगों को भी। मैं लिख के देता हूँ अंगूठा लगवा के। भाई मैं भले वो जमाने में पैदा नहीं हुआ, लेकिन मैंने जितने बार भी ये पिक्चर देखी है ना, तब तब एक हिंदुस्तानी अंदर से जाग उठा है। और क्या मतलब वो एक एक्साइटमेंट, मतलब वो एक हाइप ही अलग होता था कि मतलब इतना मज़ा आता था देखने में। और उसके जितने गाने लो ना, वो परदेसिया सॉन्ग, परदेसी सॉन्ग, मैं निकला गड्डी लेके, तो आज भी है भाई भाई एक एक गाने आज भी याद है और आज भी लोग सुनते हैं विदाउट। और मैं सबसे पहली बात बोलना चाहूँगा, जब हमने ये ट्रेलर लगाया डॉल्बी एटमॉस में, भाई मैं बोलता हूँ हमने फोन में देखा, समूह के 35,000 के फ़ोन में देखा। मैं सच बात बोल रहा हूँ, रिपीट वैल्यू नहीं, ट्रिपल रिपीट वैल्यू थी। हमने एक के बाद एक 3 बार ये ट्रेलर देखा। मतलब ये ट्रेलर अगर आप 10 साल बाद भी चलवा दोगे ना, पसंद आना ही आना है। और ये पिक्चर रिपीट वैल्यू के साथ आएगी, फिर री रिलीज होगी, फिर कमा के देगी। जितने भूखे बैठे हैं सबको कमा के देगी। मैं लिख के दे रहा हूँ। और रही बात हमारे फर्स्ट ईयर, लेकिन एक बात देखो, प्रेम गाथा तो है नो डाउट, लेकिन अमरीश पुरी जो आज हमारे बीच नहीं है, उनकी भी मेरा एक मतलब बोल सकते कि मेरे को देखना था उन्हें एक बिग स्क्रीन में, ये खास करके ये पिक्चर में कोई बिग स्क्रीन में देखनी थी। वो भी एक छोटी सी विश पूरी हो ही जाएगी जब बिग स्क्रीन में देखने आएंगे। चलिए आता हूँ सेकंड ईयर विघ्नेश के पास में। यस, क्या एक्साइटमेंट है देखो जून के लिए, और ये ट्रेलर कैसा लगा इस बार? फोर के में अभी मैं क्या बताऊँ, मतलब एक गदर, एक प्रेम कथा, सिर्फ एक फिल्म नहीं है, दैट इज अ इमोशन। वो एक एक हिंदुस्तानी, मतलब के वो बोलते हैं ना, वो इमोशन वो जुड़े हुए है आज भी। मतलब कि आफ्टर 22 ईयर्स एक पिक्चर आ रही है, एंड उस पिक्चर के लिए एक एक्साइटमेंट लेवल, मतलब कि दुगनी नहीं, x4 x8, मतलब होना कि वो क्या पिक्चर थी वो टाइम के, वो टाइम पे शायद लगान भी वही दिन पे रिलीज किया गया था। यस दोनों बड़ी पिक्चर है, पिलाया था वो टाइम। यस एग्जैक्टली। एंड गदर 2 जो अभी आने वाली है अगस्त में, एंड उसके एक महीने पहले वो गदर 1 री रिलीज होने वाली है। दैट इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि ये तो मैंने बहुत पहले बाहुबली 2 जब रिलीज़ हुई थी ना, उसके एक हफ्ते पहले बाहुबली 1 भी री रिलीज़ किया था। Correct. तो वो दौर वापस लेके आया, एंड गदर रिफ्रेश करके। यस पार्ट 1 में और अब पार्ट 2 में क्या होगा? यस हमें देखने मिलेगा। एग्जैक्ट, जैसे इन्होंने बोला था कि जून महीने में कितनी भी बॉलीवुड की नई फिल्म आ रही है, लेकिन गदर सबसे आगे, सबसे सबके सबको पीछे छुड़ा देगी और पैसा कमा के देगी। यस, पैसा कमा के देगी, एंड ये गारंटीड है। एंड सबसे पहली बात, अमरीश पुरी साहब, द लेट ग्रेट अमरीश पुरी साहब, मैं आज भी यही बोलूँगा कि उनके बराबरी में एक नेगेटिव कैरेक्टर कोई नहीं आज भी नहीं। आफ्टर अमरीश पुरी, कादर खान साहब को हम ये कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन आज तक उनके बाद ऐसा कोई मिला नहीं, आर्टिस्ट मिला नहीं कि उनके बराबरी में कोई नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर सके। लेकिन हमारे सनी पाजी, अरे अच्छे विलेन भी है ना, उनके सामने पानी भर देते, पानी कम चाय लगते। यस, वही ना, एक्चुअली हमारा एक्साइटमेंट लेवल, मेरी एक्साइटमेंट लेवल इतनी है ना, मैं कुछ डायलॉग्स
तो ये फंबल हो रहा हूँ तो सो सॉरी, लेकिन ये पिक्चर के लिए एक्साइटेड, इतनी इतना एक्साइटेड हूँ, सुपर एक्साइटेड दिख रहा है हमारे सुपर एक्साइटेड इडियट विघ्नेश और फर्स्ट इडियट गोलू, ये ट्रेलर देखने के बाद में। यस, चलिए आता हूँ हमारे थर्ड के पास में, समृद्ध। हाँ जी सर, आपसे पूछने से पहले आपसे हम डायलॉग सुनना चाहेंगे। अरे बाप रे बाप, मैं तो 100 है मेरे को, दो डायलॉग्स मेरे को अभी भी, मेरे को बोलते ना इधर 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 बोलते हैं सब, पाजी बोलते हैं जोर से जैसे पाजी की आवाज में, पाजी जब बोलते हैं पकड़ो एक मिनट, हाथ जोड़ के बेटी को विदा करो, वरना अगर ये तख्त पलट गया ना तो सैकड़ों लोग सौ लोगों को ले डूबेगा। दूसरा भाई ये तो मेरा फेवरेट है, जब उसको बोलते हैं कि बाप बाप होता है बेटा बेटा होता है, अरे नहीं समझे, अरे तुम्हारे पाकिस्तान निकला तो हिंदुस्तान से ही है, अरे भाई बोलते हैं कि नवाजुद्दीन साहब तो अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या बक रहे हो तुम, अरे हम हिंदुस्तानियों से पीछा पीछा करना छोड़ दो वरना तुम भी अल्लाह को प्यारे हो जाओगे। अरे बाप रे बाप, अशरफ अली माँ कसम, वो जब वो चिल्लाता है ना अशरफ अली, हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अरे बाप रे बाप, ये बोलते ना जून की, अरे मुंबई समृद्ध। देखो जब पाजी है ना पाजी, बुलरो भी उठाएंगे ना तभी भी हम लोग डाइजेस्ट करने के लिए तैयार है, बाकी कोई भी एक्टर है ना वो स्प्लेंडर भी उठाएगा ना तभी हम लोग बोलेंगे नकली है, लेकिन पाजी ना पाजी हैंडपम्प उखाड़ लिया ना भाई, हम बंजर ऐसा ऐसा करके हम लोग उठ के टाली हो जाएंगे भाई थिएटर में। मैं तो 9 जून के लिए भाई ऐसा वेटेड हूँ ना बॉस, मैं ट्रेलर देख के मैं बोलते ना ट्रेलर कट कैसा लगा, जबरदस्त जबरदस्त, ये ट्रेलर ही एक इमोशन से काटा हुआ है अनिल शर्मा ने यार, भाई साहब मतलब पाजी का वो अंदाज देखो यार, उनके जैसा कोई नहीं इस दुनिया में भाई। अरे पाकिस्तान है ना पाकिस्तान डरता है अपने पाजी से, इसलिए साला वहाँ पे रिलीज नहीं किया पिक्चर, क्योंकि उनको मालूम है कि हिंदुस्तान ऐसा वैसा बोलते हिंदुस्तान ऐसा वैसा देश नहीं है, महान है, क्योंकि इनके वजह से बोलते ना कि वो डायलॉग मेरे को अभी भी आते कि किन हिंदुस्तानी से बात कर रहे हैं आप लोग, हम लोग ने 100 करोड़ हम लोग ने आपको दी थी, इसके आपके सिर पे तड़पा रही थी, बोलते हैं बरसात की बचने से, बोलते बरसात के बचने के लिए आपकी हैसियत नहीं है, और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग, ओ भाई साहब। बंटवारे के वक्त हम लोगों ने आप लोगों को 65 करोड़ रुपए दिए थे, तब जाकर आपके सर पर तरपाल आई थी, बरसात से बचने की हैसियत नहीं और गोलीबारी की बात कर रहे हैं आप लोग। लेकिन माय गॉड, वो सीन ही अलग था, जब वो सकीना को जब वो पाकिस्तान में घुसता है ना, अरे शपथ पूरा पाकिस्तान, नहीं नहीं पूरा पूरा पाकिस्तान को ले डूबा था भाई, सपाजी अपना यार जबरदस्त भाई, मजा आ गया था। दिख रहे हमारे मुंबई के थ्री इडियट्स, बात करते हुए मुझे भी वो फील आ रहा है, वाइब आ रहा है, आखिर में कुछ कहना चाहते हैं फर्स्ट? देखो मैं देखो बुरा नहीं मानना, जो पाजी ने हैंडपंप उखाड़ा था उसी से सबको पानी वहीं पे पिलाया था। दूसरी बात, ये बात फैक्ट और ये सच है कि पाकिस्तान में जैसे मतलब मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा है, सॉरी मैंने उसके बाद में सर्च कुछ किया नहीं है, पाकिस्तान ऐसे कंट्री में पाजी को बैन करके रखा हुआ, इसीलिए यही पिक्चर के बाद ही बैन, और ये अभी फिर रिलीज हो रही है, पहले भी रिलीज हुई थी, नहीं वो तो इंडिया रिलीज पाकिस्तान में भी हो। आएंगे आप तीनों के पास में जब 9 जून को बड़े पर्दे पे गदर एक प्रेम कथा रिलीज होगी, रिलीज होगी, और आपसे आपका ऑनेस्ट रिव्यू एंड रिएक्शन जरूर जान के लेंगे। थैंक यू बोलना चाहूंगा पाजी, लव यू पाजी, लव यू पाजी।